देश तथा हमारे क्षेत्र की जनता 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे पूरे उत्साह के साथ जो देश के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता से अपील किया है कि 75 वर्ष पूर्ण होने पे पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में निश्चित रूप से स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाएगा। और उस परिप्रेक्ष्य में जगह जगह लोगों से वाहन किया गया था, आप मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकालिए, उसके बाद शहीद स्थल पे जा करके उनको माला पहनाइए, फिर उसके बाद प्रभात फेरी करिए, यात्रा करिए, हर घर पहुंच करके सभी घरों पे तिरंगा झंडा लगवाइए। ये अभियान पूरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का था, उसी अभियान में हम सब लोग लग करके पूरे विधानसभा के अंदर, चाहे फरिंदा हो, चाहे बिस्मनगंज हो, चाहे थानी हो, चाहे फुलोई हो, ऐसे सभी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तथा आम जनमानस इस पूरे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जैसा पूरे देश में दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से लोगों का उत्साह है, ये कहा जा सकता है पूरा भारत, पूरे देश की 130 करोड़ जनता राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रही है। इस अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर अपने सभी क्षेत्रवासियों को, अपने नगर पंचायत वासियों को, अपने सारे हिंदुस्तान भारत के वासियों को इस महागणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो ये महापर्व मनाया गया है, आपने देखा होगा इसके पहले इतने धूमधाम से यह पर्व कभी मनाया नहीं जा रहा था, लेकिन अब की बार अजीब तरह का और गजब का उल्लास लोगों में दिखा और ये पर्व बड़ा धूमधाम से मनाया। इसके लिए आप लोगों ने कितनी तैयारी की? इसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी थी, सारे लोग, हिंदुस्तान की सारी जनता, हिंदुस्तान के सारे नागरिक अपने आप को स्वतंत्र महसूस किए और उनको लगा कि अब हमको मनाना चाहिए, सारे लोगों ने तैयारी कर ली। आप इस समय जो है देश के जो है एक सशक्त जो है इस क्षेत्र के जो है उभरते हुए जो है नौजवान हैं, तो देश के प्रति आपके आस्था है, उसके आस्था की जनता को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग जिस देश में रहते हैं, इस देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, और हम लोग अपने आप को बहुत ही गौरवशाली समझते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। फख्र होता है और गर्व होता है। आपने देखा होगा यहाँ पे गंगा जमुना की तहजीब, हिंदू मुस्लिम की एकता का मिसाल आपने देखा होगा इस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में, और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि मतलब बहुत शानदार उल्लास लोगों के अंदर था।